स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग कितनी डॉल्फिन मौजूद हैं? ए 3000, बी 4000, सी 5000, डी 6000। आंसर बी 4000। एक्सप्लेनेशन: भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में मौजूद डॉल्फिन की संख्या के आधे से भी ज्यादा है। यूपी सरकार ने राज्य के लिए नई पर्यटन नीति लागू की और चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया। बिहार गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना में लुप्तप्राय डॉल्फिन की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न। क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाले भारत की पहली भारोत्तोलक कौन बन गई है? ए प्रीति स्मिता भोई, बी पायल कुमारी, सी ज्योश्ना सबर, डी बाबूलाल हेम्ब्रोम। आंसर ए प्रीति स्मिता भोई। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा की रहने वाली प्रीति स्मिता भोई लीमा पेरू ने विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किग्रा में स्नैच में 57 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 76 किग्रा वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई है। वही ओडिशा की ज्योश्ना सबर ने कुल 125 किग्रा 56 किग्रा 69 किग्रा के साथ रजत पदक जीता। अगला प्रश्न। किस एजेंसी ने नए अमेरिकी जासूस समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है? ए यूनाइटेड लॉन्च एलायंस, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी नासा। आंसर सी स्पेसएक्स। एक्सप्लेनेशन: 22 मई को स्पेसएक्स द्वारा नए अमेरिकी जासूसी समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स ने परिचालन जासूसी उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया। इसे एक नए अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। ये दुनिया में लगभग कहीं भी जमीनी लक्ष्यों की तेजी से पहचान करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? ए मिशन आकाश, बी मिशन गगन, सी मिशन एरावत, डी मिशन ईशान। आंसर डी मिशन ईशान। एक्सप्लेनेशन: भारत ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए पूरे देश में फैले अपने 4 हवाई क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से न केवल एयरलाइंस को अधिक निर्बाध संचालन और उड़ान प्रबंधन क्षमता में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है, बल्कि यात्रियों को भी भीड़भाड़ और उड़ान के समय में कमी आएगी। अगला प्रश्न। सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेगी? ए बोइंग स्टारलाइनर, बी होरियन, सी सोयुज, डी स्पेसएक्स ड्रैगन। आंसर ए बोइंग स्टारलाइनर। एक्सप्लेनेशन: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के संचालन दल का नेतृत्व करेंगी। अगले महीने सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं।